ये जो पुआल का ब्लॉक है, अब खाली अगर यही हम देंगे तो इससे हमारे बहुत सारे पोषक तत्व हमारे पशु को नहीं मिल पाएंगे। अतः बहुत सारे मिनरल्स जो मिक्सचर है या हमारे जो अन्य दानों के जो भाग हैं, ये चोकर है हमारा, मक्का पिसी हुई मक्का है, खलियां हैं, तो इस सबको मिला करके भूसे के साथ गुड़ के साथ मिला कर हमारा आज अभी फीड कंप्लीट फीड ब्लॉक बनाने जा रहे हैं। चारा ईट के कई फायदे होने के बावजूद इसके उपयोग में कुछ सावधानियां भी बरतनी चाहिए। जैसे बरसात के मौसम में चारा ईट को अधिक दिनों तक जमा रखने से इसमें फफूंदी लग सकती है, जो पशुओं के लिए हानिकारक होता है। इसलिए चारा ईट बनाने के 10 से 15 दिनों के अंदर उपयोग कर लेना चाहिए।